साथियों 23 मई को जब फिर एक बार आप मोदी सरकार बनाएंगे तब पानी के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। बीते 5 वर्ष गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लिए थे, आने वाले 5 वर्ष पानी पहुंचाने के लिए जी जान से जुटेंगे। हमने संकल्प लिया है कि पानी के लिए अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। नदियां हो, समंदर हो, वर्षा का पानी हो, जितना भी संसाधन है, सब जगह से तकनीक का उपयोग करके जरूरतमंद क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाएगा। भाई और बहनों, बुंदेलखंड में जो नदियां हैं उन्हें भी नई धारा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, कुछ महीने पहले ही जब मैं झांसी आया था तब 9000 करोड़ रुपए की एक पेयजल का योजना का शिलान्यास भी किया था। जब ये पाइपलाइन परियोजना हो जाएगी तब बुंदेलखंड के लगभग हर जिले को लाभ मिलेगा। साथियों, पानी आएगा तो खेतों की प्यास भी बुझेगी। ये दुर्भाग्य है कि पुरानी सरकारें सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में जुटी रही, जबकि सिंचाई परियोजनाओं को लटकाती रही। आपको हैरानी होगी, सपा बसपा के सहयोग से चली कांग्रेस सरकार ने देश भर में सैकड़ों सिंचाई परियोजनाओं को लटका करके रखा था। दशकों से वो किसी ना किसी कारण लटकी थी। ऐसी लटकी भटकी 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया और इनमें से अधिकतर पूरी होने की कगार पे है। यहां बाण सागर सिंचाई परियोजना भी दशकों से लटकी हुई थी। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया और पिछले वर्ष ही इसको राष्ट्र को समर्पित किया। आज इलाहाबाद, मिर्जापुर सहित अनेक जिलों की करीब 1.5 लाख हेक्टर भूमि तक बाण सागर नहर से पानी पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, जो आपकी दिक्कतों को नहीं समझते, जो पानी की सिंचाई की योजनाओं को लटकाते हैं, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे? पक्का सजा देंगे?